Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. Education must be a great equalizer in our society. ऐसा मानने वाले राजीव गांधी ने लर्न फ्रॉम होम की शुरुआत कोविड से बहुत पहले ही कर दी थी। कैसे? आइए देखते हैं। राजीव गांधी भारत के बड़े राजनीतिक परिवार में पैदा हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके नाना थे और इंदिरा गांधी उनकी माँ। बचपन से ही घर में पॉलिटिक्स का माहौल भरपूर था, मगर राजीव गांधी का इंटरेस्ट कहीं और ही था। उनके क्लासमेट्स बताते हैं कि उनकी बुक शेल्व्स में पॉलिटिक्स, हिस्ट्री या फिर फिलॉसफी की किताबों की बजाय साइंस और इंजीनियरिंग की किताबें ज्यादा देखने को मिलती थी। राजीव विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे, लेकिन 1966 में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो वो इंडिया लौट आए। उन्हें फ्लाइंग का बहुत शौक था और भारत वापस आने के बाद उन्होंने पहली चीज जो की वो थी कमर्शियल पायलट का लाइसेंस लेना, और फिर वो एयर इंडिया में पायलट बन गए। राजीव राजनीति से दूर आसमानों में उड़ रहे थे। तभी उनके भाई संजय गांधी, जो कि पॉलिटिक्स में अपनी माँ का साथ दे रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें मजबूरन पॉलिटिक्स में आना पड़ा। वो 3 साल अमेठी के एमपी रहे, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने एयर इंडिया की वो जॉब नहीं छोड़ी। उन्हें लगा होगा कि शायद ये टेम्परेरी है, लेकिन तभी देश की प्रधानमंत्री और उनकी माँ इंदिरा गांधी की मौत हो गई और देश के पीएम की कुर्सी रातों रात खाली हो गई। पार्टी चाहती थी कि राजीव गांधी देश की कमान संभाले। राजीव के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था। 41 साल के राजीव 1984 में शपथ लेकर देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। उस समय राजनीति में उनका अनुभव कम था, मगर उनकी सोच नई थी। उन्होंने राजनीति से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर क्षेत्र में ऐसे कदम उठाए जिससे आधुनिक भारत का निर्माण हुआ। भारतीय राजनीति उस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रही थी। इलेक्शन के बाद नेताओं का पार्टी बदलना आम हो गया था। ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए उस समय एक जुमला भी चला, जो था आया राम गया राम। इस चलन को रोकने के लिए राजीव एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए। ये उनका बड़ा फैसला था। इस बिल के तहत कोई भी एमपी या एमएलए अगले इलेक्शन तक अपना दल बदल कर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता था। इस दल बदल विरोधी कानून से देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम हुई। इलेक्शंस को लेकर ही उन्होंने एक और बड़ा फैसला लिया। देश के निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी। देश में डिजिटल क्रांति ऑफिशियली पिछले दशक में आई, लेकिन इसकी नींव राजीव गांधी ने कई साल पहले ही रख दी थी। उन्होंने सॉफ्टवेयर मेकर्स को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, जिसके बाद वो बैंक से लोन लेकर बिजनेस शुरू कर सकते थे। जो रिफॉर्म्स राजीव गांधी ने सालों पहले किए, उसी वजह से आज इंडियन आईटी इंडस्ट्री का पूरे विश्व में बोलबाला है। इसके बाद राजीव ने सी डॉट, मतलब सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स की स्थापना की, जिसने पूरे देश को पीसीओ नेटवर्क से जोड़ा। एमटीएनएल और वीएसएनएल का गठन भी राजीव गांधी ने ही किया था। एमटीएनएल ने टेलीफोन का प्रसार पूरे देश में तेजी से फैलाया और इंडिया में इंटरनेट लाने की पहल भी वीएसएनएल ने ही की। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने रेलवेज को भी मॉडर्नाइज किया और कंप्यूटराइज्ड टिकट्स रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत भी इनके कार्यकाल में ही हुई। राजीव मानते थे एजुकेशन मस्ट बी अ ग्रेट इक्वलाइजर इन आवर सोसाइटी। इट मस्ट बी द टूल टू लेवल द डिफरेंसेस दैट आर वेरियस सोशल सिस्टम्स हैव क्रिएटेड ओवर द पास्ट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। और इसी सोच के तहत राजीव गांधी ने पहली ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इग्नू में अभी तक 34 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने एनरोल किया और इसीलिए इसे हम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं।
एक तरह से लर्न फ्रॉम होम की शुरुआत कोविड से बहुत पहले ही राजीव गांधी जी ने कर दी थी। 47 साल के राजीव गांधी बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए। उसी साल उनके मरणोपरांत राजीव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उन्हें भारतवासियों के लिए अमर कर दिया।